Professor Parvez Hoodbhai Sahab, साथियों और अजीज बच्चों, सबसे पहले मैं ये गुजारिश भी करूंगा और इजाज़त लूंगा इस बात की कि थोड़ी देर सब्र से आप लोग बैठें, कुछ गुफ्तगू करनी आजमाइश होगी, क्योंकि काफ़ी वक्त आपने बड़ी तवज्जो से परवेज़ हूद भाई साहब को सुना और चूंकि बातें लिंक्ड हैं, आपकी बात भी बड़ी अहम थी ख्वातीन के सिलसिले में जो उठाई, मैं उन पे कुछ अपनी राय आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं, ताकि दोनों पहलू मुकम्मल हों और ऐसे मज़ाकरात की दिलचस्पी यही होती है कि मुख्तलिफ नज़रिया सामने आए और फिर आप लोग सोचें उस पर, पिक करें अपना नज़रिया और ज़िंदगी गुजार दें उस पर काम करने के लिए। यहाँ हम लोग इसी नहीं हैं कि आपके जहनों में कुछ बीज डालें, तो मैं भी अपने हिस्से के कुछ बीज डालना चाहता हूँ, तो उसके लिए थोड़ी सी यानी आप लोग बर्दाश्त रखें, कुछ वक्त थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि मैं ये मेहमान है हमारे, थोड़ा सा उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताना चाहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी का क़याम किस वजह से हुआ। इस मुल्क की ये पहली यूनिवर्सिटी है जो उर्दू वालों के लिए बनी है। हम सब लोग इस बात से मुत्तफिक हैं कि बुनियादी तालीम ही नहीं बल्कि हर तरह के कंसेप्ट्स मादरी ज़बान में सिखाई जा सकती हैं और बेहतर है, अफजल है। लेकिन ये हकीकत है कि वक्त के लिहाज से हमें कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी चेंज करनी पड़ती हैं, अडेप्ट करनी पड़ती हैं अपनी इफादियत या मार्केटेबिलिटी कायम रखने के लिए, कि हमें रोज़गार मिल सके, मार्केट में आप जा सके। इस यूनिवर्सिटी का मकसद कतन जदीद उलूम को इंक्लूडिंग साइंसेस उर्दू में फैलाना नहीं है। हम ये प्रोपोगेट नहीं करते, इस बात पे यकीन ही रखते कि हर किस्म की आला सतही उलूम को उर्दू में ही पढ़ाना चाहिए और हम उर्दू में पढ़ाना चाहते, ऐसा कतन नहीं है। हम भी इस चीज़ को समझते हैं कि आज बैनुल अक़वामी कम्युनिकेशन की ज़बान अंग्रेज़ी है और उसमें हमें महारत हासिल करनी चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है उस ज़मीनी हकीकत का कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर एक ख़ासा तबका हमारे मुल्क की आबादी का उर्दू में महदूद हो गया है और उसमें बड़ी तादाद में हमारे वो मदारिस के बच्चे हैं, लाखों की तादाद में, जो अरबी और दरस निज़ामी के तहत तमाम चीज़ें सीखते पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर मदारिस में उनको असरी उलूम और अंग्रेज़ी की तालीम नहीं दी जाती। तो ये बच्चा जब दरस निज़ामी से फारिग होकर आता है तो असरी उलूम और असरी ज़बानों से कतन नावाकिफ़ है, और इनमें से अगर कुछ बच्चे जो उस सिस्टम में रहना चाहते हैं, खुशी से रहें और रहना चाहिए, लेकिन जो अगर असरी उलूम में आना चाहें तो उनके लिए आउटलेट क्या है। तो ये यूनिवर्सिटी एक लेटरल एंट्री उन लोगों के लिए बनती है और मज़ीद बनेगी इंशाल्लाह, कि जो मदारे से फारिग होकर असरी उलूम में या जिसको हम मेन स्ट्रीम कहते हैं, जबकि मैं इस इस्तेलाह से बहुत हद तक मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन इस मुस्तामिल इसलिए जिक्र करता हूँ आपसे कि वो इसमें आना चाहते हैं और उसके लिए, जैसा मैंने पहले दिन से जब से मैं आप लोगों की खिदमत पे मामूर किया गया, कहा है कि हम ब्रिज कोर्सेज डेवलप करेंगे हर सब्जेक्ट के लिए। और ब्रिज कोर्सेज के ताल्लुक से भी एक बात मैं याद कर दूँ कि अभी शायद चार दिन कबल खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब का मेरे पास फ़ोन आया। एक अरसे से उन्हें जानता हूँ, मेरे करम फरमा हैं और मैं इसलिए उन्हें पसंद करता हूँ कि ये आज के दौर के उन इस्लाम के स्कॉलर्स में से हैं जो कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं, प्रोमोट करते हैं, और वो खाने वाला सिस्टम नहीं है दीनी और दुनियावी उलूम की तकसीम का उनके, कि नहीं ये दीनदार लोग हैं हम लोग और ये दुनियादार लोग हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई थोड़ी सी बड़ी बेचैनी हुई है जो आप ये ब्रिज कोर्सेज के हवाले से बात कर रहे हैं उर्दू यूनिवर्सिटी में, तो मेरे पास बहुत फ़ोन आ रहे हैं मदारिस से और उलमा के कि भाई एक फसाद अलीगढ़ में फैल गया था ब्रिज कोर्सेज का जो राशिद शाह साहब ने फैलाया है, कि आप उर्दू यूनिवर्सिटी में भी ये फसाद फैलेगा। तो मैंने उनसे भी कहा, देखिए राशिद शाह साहब या उनके ज़रिए तैयार करदा ब्रिज कोर्स एक अलग इशू है और एक मौजू से मुतालिक है। ब्रिज कोर्स से हमारा मकसद ये है कि अगर मदरसे का एक फारिग बच्चा
पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता है तो उसको हम पॉलिटिकल साइंस की मबादियात सिखाते हैं, बेसिक्स, उस एक साल में बिफोर लॉन्चिंग हिम और एडमिटिंग हिम इनटू पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। बीए पॉलिटिकल साइंस में उसके आने से पहले उसको बेसिक्स पॉलिटिकल साइंस की, इसी तरह जो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि हम उन सब्जेक्ट्स की वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो स्कूल सिस्टम का बच्चा 12वीं क्लास तक पढ़ता है, एसेंशियली 9th से 12th के बीच में, वो उसको एक कैप्सूल के फॉर्म में एक साल में पढ़ा दें। और ये तजर्बे नए नहीं हैं, इसकी सबसे पहले शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने करी थी जब उन्होंने ब्रिज कोर्स तिप के लिए BUMS के लिए किया था। और सबसे पहला वो ब्रिज कोर्स था जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 2 साल का कोर्स रखा था प्री तिप के नाम से, और उसको करके बच्चे BUMS में एडमिशन लेते थे, वो आज तक चल रहा है। उसके बाद तजर्बा जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने शुरू किया। हम हर सब्जेक्ट का ब्रिज कोर्स इस मकसद से बनाएंगे उर्दू ज़बान में कि वो बच्चा बेसिक समझ ले इकोनॉमिक्स की, फिजिक्स की, बॉटनी की, जूलॉजी की, केमिस्ट्री की, और फिर उस सब्जेक्ट के ऑनर्स में आ जाए। उसके बाद दूसरा टास्क हमारा शुरू होता है कि वो सब्जेक्ट भी उसे पढ़ाएंगे, और ब्रिज कोर्स का 1 साल और ग्रेजुएशन के 3 साल, इस 4 साल में उसकी अंग्रेजी की कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी हमें डेवलप करनी है कि वो अपने 5th और 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम इंग्लिश में लिखे। और उर्दू मीडियम से अगर कॉमर्स की बात करता हुआ आया था या मईशत की बात करता हुआ आया था तो जब हमारे यहाँ से ग्रेजुएशन पास आउट करे तो अंग्रेज़ी में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स या इक्विवेलेंट समझा सके। क्यों? ताकि अगर हायर स्टडीज़ में जाना है तो अंग्रेज़ी ज़बान इस्तेमाल करे, क्योंकि हायर स्टडीज़ किसी भी सब्जेक्ट की हों वो अंग्रेज़ी के बिना नहीं हो सकती। इस बात को जैसे आपने फरमाया कि फ्रांस और जर्मनी और इवन जापान और कोरिया जो बड़े कट्टर और सेंसिटिव और हसास हैं अपनी ज़बान और तहजीब को लेके, वो भी आज, चाइना भी उसमें शामिल है, अंग्रेज़ी ज़बान में उलूम का हुसूल करते हैं, अपनी ज़बान और अपनी तहजीब की हिफाजत करते हैं। और यहाँ हम लोग बहैसियत मुसलमान फेल हुए हैं कि हमने अपनी तहजीब और ज़बान की हिफाजत नहीं करी, और मजामीन भी उस अंदाज़ से, यानी डबल फेलियर है। वो फिर किसी मौजू पे गुफ्तगू होगी, मैं इंशाल्लाह मौका मिला आप लोग समखराशी करूँगा कि डबल फेलियर है ये हमारा, सिर्फ एक उलूम का ही नहीं है, हमने ज़बान और तहजीब को भी बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है, छोड़ दिया है। खैर, तो ये मकसद बुनियादी तौर से इस उर्दू यूनिवर्सिटी का है कि उर्दू मीडियम से जो बच्चे समहाउ, जो मैं ये कह सकता हूँ इल्मी एतबार से, और इससे कहने से मेरा कतन मकसद उर्दू की तजहीक या उसको किसी तरह से कम दिखाना नहीं है, कि वो उर्दू में किसी तरह से फंसे रह गए तो उस निज़ाम से उनको हमें मौजूदा ज़माने में, ताकि वो हमारे समाज का एक प्रोडक्टिव हिस्सा बन सकें, फ़ाल हिस्सा बन सकें, सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें और जॉब पा सकें। तो बेसिकली उर्दू यूनिवर्सिटी एक बज़ात खुद एक ब्रिज का काम करेगी कि उर्दू मीडियम के बच्चों को लाके अंग्रेज़ी मीडियम में उनके पसंदीदा सब्जेक्ट में महारत दे के लाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके लिए मुझे जैसे पहले दिन से फीडबैक मिल रही है कि मेरे असातेज़ा साथी सब मेरे साथ हैं और कमर कसने को तैयार हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे भी उसी अंदाज से मेहनत करेंगे, क्योंकि बिना मेहनत के हमें कुछ हासिल नहीं हो सकता। देखिए, बड़ी छोटी सी बात है कि अगर आप सूरह रहमान का तर्जुमा पढ़ें, उसे अकीदत से बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, कुछ अमल के तहत भी पढ़ा होगा किसी चीज़ को पाने या बख्शवाने के लिए, लेकिन तर्जुमे से भी अगर कभी पढ़ें तो अल्लाह ताला की एक शान यह बयान की गई है कि वो हर वक्त किसी काम में मसरूफ़ है। आप ज़रा सोचिए इस बात को। हम अपने आप को उसका ग़ुलाम भी कहते हैं, बंदा भी कहते हैं, दूसरी तरफ उसके पास कुन फयकून की सलाहियत भी है कि वो जो चाहता है हो जाती है। उसके बावजूद जब वो हर वक्त काम में मसरूफ़ है तो बंदे को क्या ये जेब देता है कि वो आराम करे? हम जैसे ही ऊपर उठते हैं वज़न हल्के करते हैं अपने, और ख़ुद भी हल्के होते चले जाते हैं। लेक्चरर को अगर 18 पीरियड देंगे तो रीडर को 14 चाहिए, प्रोफेसर को 4 चाहिए, जिम्मेदारियाँ कम हो रही हैं। हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई बहुत मेहनत करते हैं नज़रों में अच्छे बने रहने के लिए। LDC होते परमानेंट हुए तो थोड़ा सा कुर्सी अच्छी मांगने लगते हैं कि साहब बैग ज़रा दीजिए इस पर, और कमर टिकाने को चाहिए मुझे, और लंच के साथ जोहर की नमाज़ भी पढ़नी, थोड़ा वक्त ज़्यादा चाहिए, और बीच में असर के लिए भी जाऊँगा।
उसके बाद होते होते जब वो ऊपर उठते हैं तो उन्हें चाहिए होता है कि लोग मेरे लिए काम करें, मैं सिर्फ दस्तखत करूँगा। तो इस मेयार से तो अल्लाह ताला को कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे ऊपर कौन है, हमारा ईमान और अकीदा है। तो ये कंट्राडिक्शन से हमारी ज़िंदगी के, जिसमें हम अकल इस्तेमाल ना करने की वजह से फंसे रह जाते हैं। अकल के सिलसिले से अब मैं इस बात को, क्योंकि उर्दू यूनिवर्सिटी का तारुफ मैंने मेहमान के सामने कर दिया और आप लोगों के सामने अपनी थोड़ी सी पॉलिसीज फिर से वाजे कर दी कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं एक मिशन पर आया हूँ, एक मकसद से आया हूँ, तय करके आऊँगा, आया हूँ और करके जाऊँगा इंशाल्लाह आप लोगों के ताउन से। उर्दू यूनिवर्सिटी की इफादत यही है, और आप यकीन जाने मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले दिन से इस यूनिवर्सिटी से जुड़ने के बाद 8 महीने के अंदर वापस रिज़ाइन करके इसीलिए मैं चला गया था कि मुझे लग रहा था कि उस वक्त की अथॉरिटीज़ इस बात को मेरी नहीं सुन रही हैं, लेकिन अल्लाह ने पसंद करा इस बात को और 17 साल बाद मुझे मौका दिया कि मैं आके इस चीज़ को यहाँ लागू करूँ। लेकिन अफसोस ये है कि 17 साल मिस कर दिए, और वो इंशाल्लाह बैकलॉग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताउन से इंशाल्लाह इस 5 साल में हम पूरा करेंगे, ताकि हर कोर्स हमारा उर्दू में तैयार हो, हम पढ़ा सकें आने वाले बच्चे को, और जो बच्चा पास आउट हो वो बेहतरीन अंग्रेज़ी बोलता हुआ लिखता हुआ जाए, ताकि नौकरी भी पाए और एक प्रोडक्टिव हिस्सा हमारे आज के समाज का, एक इंटरनेशनल सोसाइटी का प्रोडक्टिव हिस्सा बन सके। अब दूसरी बात आती है सब मुसलमानों के ज़वाल की, उसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि गुज़िश्ता 1000 साल में जब से हमारा डिक्लाइन हुआ, क्योंकि ये हकीकत है, ये भी एक हकीकत है कि जब इस्लाम रसूलुल्लाह के हाथों रिवाइव हुआ, मैं उसे इस्लाम का आना नहीं कहता क्योंकि इस्लाम तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से आया था, रसूलुल्लाह इस्लाम को नहीं लाए थे, रिवाइव किया था और कम्प्लीशन किया था, तकमील करी अल्लाह ताला के उस कलाम के ज़रिए जो हमारी अक्सरियत के घरों में एक मैले से जुज़दान में लिपटा हुआ ऊपर रखा रहता। तो जब से, यानी सॉरी मैं थोड़ा सा बहक भी जाता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, कि उस वक्त जब रिवाइवल हुआ है इस्लाम का, तो उस वक्त तक दुनिया में साइंस थी, फ़लसफे की शक्ल में ज़्यादा थी, क्योंकि ये भी एक हकीकत है और मैं तस्दीक चाहूँगा क्योंकि मुझसे बेहतर आलिम है साइंस के मैदान के, कि एक्सपेरिमेंटेशन मुस्लिम पीरियड से शुरू हुआ, उससे पहले गालिबन मैं ये समझता हूँ, एंड प्लीज़ करेक्ट मी, आई सिंसियरली मीडिएट कि अगर आपके पास इसकी कुछ इत्तला हो शेयर कीजिएगा, कि एक्सपेरिमेंटेशन मुस्लिम साइंस के पीरियड से शुरू हुआ है, उससे पहले फ़लसफे पर ज़्यादा ज़ोर था, अगर होगा तो खाल खाल होगा, जिस तरह आज एक्सपेरिमेंटेशन साइंस का हिस्सा है वो उससे पहले नहीं था। एक मुद्दतों बहस इस बात पे चली कि मुर्गी की चोंच में कितने दांत हैं, गालिबन 23 साल, लेकिन किसी ने उसकी चोंच खोल के ये नहीं देखा कि दांत हैं या नहीं, हम देख लें, यही फ़र्क है एक्सपेरिमेंटेशन और फ़लसफे में, कि चीज़ को करके देख लीजिए या अकली घोड़े दौड़ाते रहिए उसके अंदर, यहाँ शायद वो अकल का वो इस्तेमाल है जिसको मना किया जाता है या जो ख़तरनाक समझा जाता है। जिस वक्त, अच्छा ये भी तय बात है, हम मानते हैं हमारे ईमान का हिस्सा है कि जिस वक्त रिवाइवल हुआ, रसूलुल्लाह साहब इकराम मौजूद थे, और वो दौर कोइंसाइड करता है इन लोगों का जिनका हम जिक्र करते हैं, चाहे वो इब्न अल हैसम हो, और बल्कि हकीकत है जैसा अय्यूब साहब ने भी जिक्र किया कि हम लोगों ने इन साइंटिस्ट को इतना ना समझा, ना सेलिब्रेट किया, ना उनकी तकलीद की कोशिश करी। यहाँ बड़ी अजीब बात है कि हम तकलीदी ज़हनियत रखने में भी बड़े चूज़ी हैं कि तकलीद किसकी करें, हमें अमेरिकन जीन्स पसंद आ जाती हैं उसकी तकलीद कर लेते, लेकिन उनका वर्क कल्चर नहीं तकलीद करते, उनका डेडिकेशन, उनका लैबों में घंटों बैठने की तकलीद हमारे यहाँ नहीं होती, उनकी साफ गोई की तकलीद हमारे यहाँ नहीं होती। तो तकलीद भी हम करते हैं और बड़ी गलीज़ तकलीद करते हैं, माफ़ कीजिएगा, कि जो बड़ी महदूद होती है और मादियत से जुड़ी हुई है, फ़िक्री और अमली और इल्मी तकलीद हम नहीं करते, क्योंकि वो हम पे भारी पड़ेगी, और हमारी तन आसानी के मिजाज का सबूत क्या है कि हमें सुन्नत कौन सी अच्छी लगती है, खाने के बाद मीठा खाना। रसूलुल्लाह का किरदार, अखलाक, अमानतदारी, ईमानदारी, वो सब सुन्नतें हमें समझ में नहीं आती, मीठा खाना सुन्नत है, खाने के बाद खा लेते हैं, ना खाएँ तो कहते हैं खाली खाली लगा, कैसा दावत में बुलाया, कुछ मीठा भी नहीं रखा, कम अज़ कम रसूल की सुन्नत का तो ख्याल करते। ये
حقیقتاً اجتماعی طور سے ہنسنے کی چیزیں ہیں اپنے اوپر، اور اگر اس ہنسی میں نیند ٹوٹ جائے تو جاگنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، سوچو تو صحیح۔ تو اس دور میں اگر اس انداز کی سائنس ہو رہی تھی اور ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ تو پکے مسلمان تھے، اسلام کے فالوور تھے، تو ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اسلام کا کوئی تضاد حصول علم سے یا پرسوٹ آف نالج سے بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک اور دلچسپ کہانی ہے کہ وہ وقت تھا جس وقت جنت کی کنجی اور دوزخ کا کھٹکا نام کی کتابیں نہیں چھپی تھی۔ اردو لٹریچر میں آپ کو اس طرح کی بہت کتابیں ملیں گی اگر آپ کسی دینی کتب خانے میں جائیں کہ جنت کی کنجی، دوزخ کا کھٹکا اور وغیرہ وغیرہ۔ اب تو ایک ویب سائٹ بھی آ گئی ہے جو ساری کتابوں کو ڈیجیٹلائز کر کے آپ کو اسلامی کتب کے نام سے، میرے پاس ہر ویک میں 3-4 آ جاتی ہیں ڈیجیٹلائز بکس جس میں بڑے مزیدار مجھے عنوانات ملتے ہیں۔ ان کتابوں کی بھیڑ اس وقت نہیں تھی، اور ایک قرآن تھا جس کو لوگ سمجھتے تھے کیونکہ ان کی زبان میں اترا تھا، اور خود قرآن اس بات کو کہتا ہے کہ ہم نے اس کو عربی میں اس لیے اتارا تاکہ تم اسے سمجھ سکو، تو انڈر لائن پرنسپل سمجھنا ہے۔ اس کو سمجھ کے انہوں نے اسلام کو جیسا سمجھا تھا وہ پرسوٹ آف نالج میں لگے ہوئے تھے۔ جس دور سے مختلف وجوہات کی بنا پر مسلمان قرآن سے ہٹے اور مذہبیت اور پھر مسلکیت کا شکار ہوئے، ہماری پرسوٹ آف نالج ختم ہو گئی۔ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس پورے دور میں جس میں علمی طور سے ہم زوال پذیر ہوئے، اس میں مذہبی اعتبار سے ہماری ترقی بہت ہوئی۔ مثال طور پہ مساجد بہت بن گئیں، نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی، پہلے بزرگ آتے تھے اب نوجوان بھی نمازی بہت ہیں، رمضان میں ہر مسلم علاقے میں بھیڑ کا یہ عالم ہوتا ہے دیکھ کے، جس کو ہم رمضان کی رونق کا نام دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت کا نام دیتے ہیں کہ بازار پٹے پڑے۔ جس مہینے میں بھوک کا احساس ہونا چاہیے تھا اس مہینے میں ہم عام دنوں سے زیادہ کھاتے ہیں، بھوک کے ڈر سے کھاتے ہیں، افطار کے بعد گھبرا کے کھاتے ہیں، سحری میں خوف سے کھاتے ہیں کہ دن میں بھوک نہ لگ جائے، اور عام گھرانے کا بجٹ بڑھ جاتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں خرچے کا، اس کو ہم اللہ کی برکت اور رحمت کہتے ہیں۔ حج تو دور کی بات ہے، عمرے میں اتنے لوگ جاتے ہیں کہ اب آپ سنگ اسود تک پہنچ بھی نہیں سکتے، دور سے ہائے ہیلو کرتے نہیں پہنچ سکتے وہاں تک۔ یعنی جس چیز کو ہم ستون کہتے ہیں دین کا، ارکان کہتے ہیں، وہ تو بڑی تیزی سے بڑھے، نمازیں بڑھیں، مسجدیں بڑھیں، لیکن زوال ہم کیوں آئے؟ کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم عروج پہ رہو گے، ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ اعلون جو ہے وہ اعلیٰ ترین، یو ول بی دا سپریم ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو چونکہ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور انورس ڈائریکشنز بہت ضروری ہوتے ہیں کرنے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آج ہم آڑون میں سے نہیں ہیں تو مومن نہیں ہیں۔ میں یہاں اپنے اوپر کتنے بھی تقوی کے اسٹیکر لگا کے پھروں، قرآن کے حساب سے میں مومن نہیں ہوں کہ میں آڑون میں سے نہیں ہوں۔ وی آر دا موسٹ ڈپرائیوڈ۔ خود ہندوستان میں ایجوکیشنلی اور اکانومیکلی، ایتھیکلی اور ریلیجسلی چھوڑ دیجیے، ہم موسٹ بیکورڈ ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں۔ پوری دنیا کی جو سو کالڈ اسلامک کنٹریز ہیں، حالانکہ میں ان پہ بلیو نہیں کرتا کیونکہ نہ کوئی اسلامک کنٹریز ہے نہ مسلم کنٹریز ہے، اسلام کہاں ہے مسلمان کہاں ہے ایک سوال ہے۔ ان ساری آؤٹ پٹ آپ دیکھ لیجئے ریسرچ کی تو اسرائیل سے کم ہے، ان کے یہاں ریسرچ آؤٹ پٹس، نوبل پرائزز اور باقی پرائزز کی بات تو چھوڑ دیجئے، صرف ریسرچ پیپرز کی بات آپ کریں تو ان کی آؤٹ پٹ کہیں زیادہ ہے ہمارے ممالک سے۔ تو میں اس ڈکلائن کو لنک کرتا ہوں کہ ہمارا ڈکلائن قرآن چھوڑنے سے ہوا ہے۔ ہم اسلام کو چھوڑ کے، دین کے طور پہ چھوڑ کے مذہب میں پھنسے ہیں۔ مذہب ایک ایبسٹریکٹ فارم ہے وچ از بیسڈ آن سرٹن ریچولس، کچھ ارکان کا نام ہے، کردار سازی کا نام نہیں ہے، آپ کا کردار نہیں بناتا۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین وہ جانور ہیں، یہاں دواب کا لفظ آیا ہے، کریچرز،
کون جو عقل استعمال نہیں کرتے. اس سے زیادہ ہلانے والا کوئی اسٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے عقل کے؟ قرآن بھرا پڑا ہے لعلکم تعقلون تفکرون تدبرون. انوائٹ کرتا ہے قرآن آپ کو کہ عقل استعمال کرو، فکر استعمال کرو. ہم عقل استعمال کرنے والے طبقے پہ کفر کے فتوے لگا کے، حالانکہ اس کی وجوہات دوسری تھیں جیسے فہیم صاحب نے بھی کہا، اور وہ پیچیدہ معاملے ہیں. اور ساری بڑی بات یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ یقین جانے میری ہسٹری بہت کمزور ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ میں چیزوں کو یاد رکھ سکتا ہوں نہ رٹ سکتا ہوں. ہسٹری میں رٹا جاتا تھا، میں نے رٹا زندگی بھر نہیں، میرے بس کا نہیں. میں چیزیں سمجھ سکتا ہوں، سوال کر سکتا ہوں، سوال کا جواب دے سکتا ہوں. اور شاید اسی لیے میں سائنس کا طالب علم بنا، اور شاید اسی وجہ سے مجھے اسلام کا وہ پہلو سمجھنے کا موقع اللہ نے دیا جو عام طور سے اگر سوال نہ اٹھا جائے تو نہیں سمجھتا آدمی. کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ سوال اٹھایا کہ اللہ کیوں بڑا ہے، میں نماز پڑھنے کیوں جاؤں، میں اس خطبے کو کیوں سنوں جس کو میں سمجھ ہی نہیں سکتا. اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ بولنا نہیں، بالکل بولنا نہیں ہے. یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی تھیں، لیکن سائنس کی پرسوٹ نے مجھے یہ بتایا کہ اللہ کیوں بڑا ہے. کیونکہ جو ڈسپلن، جو آرڈر میں نے ایک باٹنسٹ کے طور پہ سیل کے اسٹرکچر میں دیکھا، جو کمپیکٹ ارینجمنٹ ڈی این اے کا نیوکلیس کے اندر دیکھا، جس کو آج تک ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک سیل جو اتنا چھوٹا ہے آپ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، ایک آل پن کے ہیٹ پہ جو کاغذ لگاتے ہیں نا آل پن بیٹا، اس کے ہیٹ پہ اس کی ٹوپی جو ہوتی ہے اس پہ 20,000 سیل ایسے آرام سے بیٹھے جیسے آپ لوگ بیٹھے. اتنا چھوٹا سیل، پھر اس کا نیوکلیس اور اس میں ڈی این اے، اور وہ ڈی این اے 2 میٹر لمبا. وہ 2 میٹر کیسے پیک کیا؟ آج تک ہم ڈفرینٹ ماڈلس پیش کر رہے ہیں اس کی پیکنگ کے، اس کو سمجھنے کے لیے. یہاں اللہ کی عظمت نظر آتی ہے، اور یہ ڈسپلن یہاں سے لے کے کاسموس تک ملتا ہے. کہ ہبل ٹیلیسکوپ جب لانچ ہوا تو پروجیکٹ ڈائریکٹر کا پہلا سینٹینس یہ تھا، پہلی تصویر دینے کے بعد، دی ایکسپینس آف دی یونیورس از مائنڈ باگلنگ. اس کائنات کی وسعتیں دماغ خراب کرتی ہیں. اور یہ پورے کمپوننٹس، ایک انٹرپلے آف فورسز، اے فائن بیلنس، ایک زبردست توازن جو قائم کیا گیا ہے. اور اس کو دیکھتے ہوئے جب میں پڑھتا ہوں کہ وہ سما رفع و وزل میزان، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے کس بلندیوں کو بلند کیا. سما عربی میں ہر بلند چیز کو پستی کے مقابلے میں کہا جاتا ہے. صرف آسمان کو سما نہیں کہا جاتا، ہر وہ چیز جو اپنی پستی کے مقابلے میں بلند ہے وہ سما ہے. تو وہ سما رفع، ہی ریز دی ہائٹس اینڈ اسٹیبلشڈ اے بیلنس. اب وہ بیلنس کیا ہے آج ہم سمجھ سکتے ہیں. تو یہ وہ خدا ہے، اس کی عظمت کو نہیں چیلنج کیا جا سکتا. دوسری چیز جہاں پہ کنفیوژنس پھیلے ہیں، دین دنیا کی اس تقسیم کے جو ہمارے یہاں پورے سب کانٹیننٹ میں ہے، جیسے پاکستان بھی ہے، ہندوستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، اور کہیں نہیں ہے سوائے ہمارے سب کانٹیننٹ کے، اور بدقسمتی سے چند خاص مڈل ایسٹ کے ممالک کو چھوڑ کے انہی 3 سب کانٹیننٹس کے مدارس سے فارغ حضرات امامت کرتے ہیں اور خطبے دیتے ہیں ان تمام ممالک میں، انہی تھاٹس اور فکر کے ساتھ. چلے جائیے آپ کہیں پہ بھی، آپ کو پاکستانی ہندوستانی موزن اور امام اور خطیب ملیں گے تقریر کرنے والے، جو اسی ذہن کے ساتھ تیار ہو کے آتے ہیں. علم کیا ہے؟ سائنس کیا ہے؟ دیکھیے، سائنس اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو ٹو ایکوائر نالج، ٹو نو اباؤٹ دی ان نون، یہ سائنس کا لفظ ہے. سوری، انگریزی کا لفظ ہے، حالانکہ آیا دوسری زبان سے لیکن ہم نے انگریزی میں استعمال کیا، اس طرح اس کو ہم سمجھتے ہیں. ویبسٹر اسی طرح ڈیفائن کرتا ہے سائنس کو. علم کو دیکھیے آپ جا کے، سب سے کامن المورد، مورد میں علم کہتے ہیں نا واقف سے واقف ہونا، کم حقہ واقفیت حاصل کرنا. گویا جس کو عربی میں علم کہتے ہیں اس کو انگریزی میں سائنس کہتے ہیں. ہمارے میں سے اکثر پڑھے لکھے لوگ بھی سائنس کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ سمجھتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، جیولوجی، باٹنی. جیسا پروفیسر پرویز صاحب نے فرمایا، سائنس ایک طریقت کا نام ہے، اٹس اے میتھڈولوجی، جو بیس ہے آپ کی آبزرویشن پہ، آپ کی تھنکنگ پہ، آپ کی انالیسس پہ، اور جہاں پاسبل ایکسپیریمنٹیشن پہ. آج کاسموس کے
नेचर के बहुत से चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम एक्सपेरिमेंटली नहीं कर सकते, लेकिन हम कन्विंस्ड हैं बहुत सारे और फैक्टर्स की वजह से, तो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल पार्ट नहीं है. एविडेंसेस हो सकते हैं विच पॉइंट आउट टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर थिंग, लेकिन एज सच हम ओरिजिन ऑफ लाइफ को रिक्रिएट नहीं कर सकते. हम एक्सपेरिमेंटली दिखा सकते हैं कि इन गैसेस के कॉम्बिनेशन में जब स्पार्क हम करते हैं, जैसे उस पर बिजली चमकती थी, तो कुछ अमीनो एसिड्स बनते हैं जिन्होंने प्रिमिटिव प्रोटीन्स बनाए होंगे. ये सब हम ओरिजिन ऑफ लाइफ में पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन एज सच हम रिक्रिएट नहीं कर सकते उस सीन को. तो ये जो तरीक़ेकार हैं, यानी इल्म. अच्छा, दूसरा एक सबूत आप देखिए, आप सऊदी अरब में या किसी बारह कंट्री में जाइए तो फैकल्टी ऑफ साइंस पे लिखा होगा कुल्लियातुल उलूम, यानी वहाँ इल्म का इस्तेमाल साइंस की तरह है. हमने अपने यहाँ दरसे निज़ामे से फारिग होने वाले को आलिम कह दिया, गोया ये तो इल्म लेके आया और ये पीएचडी करके कंप्यूटर साइंस में आ गए, इनको मैं आलिम कहने को तैयार नहीं. यहाँ से फ़र्क आया. हमने इल्म को, और उसकी एक वजह आपको बताऊं, यानी एक वाकया बड़ा दिलचस्प कि कई साल मुझे सन याद नहीं, जैसे मैंने कहा मैं ये चीज़ें याद नहीं रख पाता. हज हाउस में इस्लामी फ़िक़ा एकेडमी का एक इजलास था जिसमें क्लोनिंग डिस्कस होनी थी, और उसमें काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी साहब उस वक्त हयात थे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि परवेज़ तुम उलमा को समझाओ क्लोनिंग क्या है. तो मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेके गया पूरी क्लोनिंग की बेसिक समझाने के लिए. उसकी बेस पे उस फ़िक़ा एकेडमी ने फतवा दिया कि क्लोनिंग के लिए हमारा स्टैंड क्या है. तो जुमे का दिन था, मैं नमाज़ पढ़ने एक मस्जिद में गया, तो वहाँ खुतबे में इमाम साहब ने फरमाया कि रसूलुल्लाह की हदीस है कि तलबुल इल्म फ़रीज़ुन अला कुल्ली मुस्लिम, लिहाजा इल्म दीन हासिल करना हम सब पे फ़र्ज़ है. और उन्होंने इल्म दीन की भी वजाहत करनी शुरू कर दी जो 5 सतून तक महदूद थी. मैं, हालांकि मेरा प्रेजेंटेशन था, लेकिन मैं रुका रहा कि जब तक इनकी तमाम नवाफिल ख़त्म ना हो जाए और ये बाहर ना जाए, मैं बैठा रहा. जब वो ख़तीब बाहर आए तो मैंने उनसे ये पूछा कि हज़रत एक चीज़ मैंने बताया मुसाफिर हूँ, दिल्ली से आया हूँ, और एक चीज़ आपसे दरियाफ़्त करना चाहता हूँ कि क्या इल्म, जब इल्म है तो मैंने कहा दीन तो लफ्ज़ अरबी का है कि जी, तो मैंने कहा इस हदीस में इल्मी दीन का तो जिक्र नहीं है, तो इल्म में आपने इल्म दीन कैसे लगा दिया, ये सनद आपको किसने दी कि आप इल्म को खाने में बांटें, और एक तरह से आप तहरीफ कर रहे हैं हदीस में, आप उसको चेंज कर रहे हैं. हदीस सिंपली ये कि तलाबुल इल्म फ़रीज़ुन अला कुल्ली मुस्लिम, उसमें मुस्लिम मुस्लिमा शामिल हैं. तो वो फ़ौरन बोले कि साहब मैं तो तालिब इल्म हूँ और उस्ताद ने यही पढ़ाया था, अभी तो मेरा दर्स चल रहा है और मैं खुतबे के लिए खड़ा कर दिया गया था. ये कह के वो पहलू तही करके सलाम करके चले गए. लेकिन ये एक हमारी ट्रेजडी है. इल्म इल्म है. और अब उस कंटेक्स्ट में मैं बात को ख़त्म करते हुए सिर्फ एक आयत की तरफ तवज्जो आपकी चाहूँगा. अफा कज़्ज़ब तुम भी आयाती वलम तुही तो भी है इल्मा अम्मा ज़ा कुंतुम तामलून, तुमने मेरी आयत को झुटला दिया. अच्छा, आयत की भी वजाहत थोड़ी सी कर दूँ कि अल्लाह ताला कुरान में अपनी हर क्रिएशन को अपनी आयत यानी साइन बताता है, निशानी पहचान. क्यों? क्योंकि इसको समझे अगर तुम तो मुझे समझ सकते हो, हम उसे नहीं समझ सकते. अब अपनी लिमिटेड कॉम्प्रिहेंशन से अनलिमिटेड को नहीं समझ सकते. क्या समझ सकते हैं? उसकी क्रिएशंस को. इसलिए कुरान बार बार कहता है, जैसे वो है कि अफला यंजुरूना लिल इबली कैफ खुलिकत, जुमे में अक्सर आप सुनते हैं, इमाम हजरत अक्सर इसकी तिलावत करते हैं जुमे की नमाज में. तो बार बार अपनी क्रिएशन की तरफ कुरान क्यों बुलाता है कि तुम ये क्यों नहीं देखते, तुम पहाड़ों के रंग क्यों नहीं देखते, तुम क्यों नहीं देखते जब बारिश आती है तो ज़मीन कैसे ज़िंदा होती है, हम हवाओं को चलाते हैं, वगैरह वगैरह. यानी जो नेचुरल फोर्सेस और इवेंट्स हैं उसकी तरफ कुरान आपकी अटेंशन लाता है. और फिर ये भी कहता है कि जो लोग अकल नहीं रखते और अंधे बह रहे हैं उनको ये आयतें निशानियाँ कुछ काम नहीं देंगी, ये भी कुरान कहता है. तो अभी इस आयत में क्या कहा गया है कि तुमने मेरी आयतों को झुठला दिया. अफा गज़ब तुम भी आयाती वलम तुही तो भी इल्म, उनका बिना इल्मी अहाता किए, विदाउट कॉम्प्रिहेंडिंग दैम विद योर नॉलेज. और अगली आयत हम सब के लिए आँख खोलने वाली है, अम्मा ज़ा कुंतुम तामलून, अगर तुम ये नहीं कर रहे थे तो तुम कर क्या रहे थे. ये रोल डिफाइन करती है दुनिया में हमारा, वॉट वॉज इट दैट यू डिड. यानी दुनिया में आए किस लिए हैं कि अल्लाह की इन आयात को डिस्कवर करो.
मैं अपने आप कहता हूँ कि मैं दरख्त के पास रुक गया तो बॉटनिस्ट बन गया, जो किसी जानवर के पास रुक गया जूलॉजिस्ट बन गया। अल्लाह की इन आयात को समझना है, और फिर उसके बाद फिर कुरान हमें गाइड करता है कि इन इस नॉलेज को एक्वायर करके यू पुट इट टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। हमें इससे कारोबार करने की कहीं इजाज़त नहीं देता, एक्सप्लॉयट करने की इजाज़त कहीं नहीं देता। इसलिए जिस इस्लामिक हिस्ट्री की हम बात करते हैं, उस ज़माने के लिए हिस्टोरियंस जो मुसलमान नहीं थे वो ये लिखते हैं कि उस वक्त तिब ये थी कि अस्पतालों में शिफा खानों का हाल बादशाह के मेहमान खानों जैसा होता था, इतना बेहतरीन इंतज़ाम होता था मरीज़ के लिए। और मरीज़ इलाज के बाद जब वहाँ से डिस्चार्ज किया जाता था तो हुकूमत की तरफ से उससे कुछ रकम दी जाती थी कि तुम इतने दिन यहाँ बीमार रहे हो तो तुम्हारा खेती, तुम्हारा कारोबार ख़त्म हो चुका हो, इस रकम से अपने कारोबार को फिर खड़ा करो। ये थी इस्लामी ज़माने की ह्यूमन फ्रेंडली तिब। आज एक गरीब आदमी घर के बर्तन बेचता है जब डेड बॉडी को छुड़ाता है बिल देके। मरीज़ की डेड बॉडी रिलीज नहीं की जाती अगर आप बिल पे नहीं कर सकते तो। माफ़ कीजिएगा, इस चीज़ के ज़िम्मेदार कौन है? हम आप सब। हमने तिब का मैदान छोड़ा क्यों? कि उन लोगों के हाथ लगा जो इसे एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। मेज पे छुरी रखी, छोड़ दी सेब काट के अम्मा बेगम ने, बच्चे ने उठा के पेट में घोर ली, अब सीना पीट रही है। छुरी छोड़ी क्यों थी? उस बच्चे को तो समझ ही नहीं है। आपने इल्म के मैदान को छोड़ा क्यों? इस्लाम कहीं इस्लाम, बल्कि हकीकत यह मेरे इस कहने का मकसद कि वी हैव बीन एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम। हम इस्लाम के मुखालिफ हैं अगर इल्म के मैदान में हम आगे नहीं हैं तो। इसको मानिए ना मानिए, कोई कुरान की ऐसी आयत नहीं मिलती जो ये कहती हो कि आपसे पांच नमाजों का हिसाब होगा और जिसने पांच वक्त की नमाज़ पढ़ी उसे जन्नत मिलेगी। कुरान आपको पूरी बंदी हुक्म देता है। एक छोटी सी बात इस तरह समझिए कि कुरान पूरा हम पे फ़र्ज़ है। सूरह कसस आयत नंबर 85 देख लीजिए, इन्नल लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान लरद्दुक इलमात। सूरह कसस आयत 85 जाके देख लीजिएगा तर्जुमा अगर घर में हो आपके तो। कुरान हम पे फ़र्ज़ है। मुझे फ़राइज़ में किसी ने नहीं बताया। बचपन से पांच सुतून पढ़े, सवालों के ज़रिए अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ तक पहुँचा, कुरान पढ़ा, चीज़ें समझी तो पता लगा कुरान मुझ पर फ़र्ज़ है। अब कुरान फ़र्ज़ है तो मैंने कुरान की दो तीन आयतें चुन ली अपने ऊपर अमल करने के लिए। अकीमुस्सलात वातुज़्ज़ाकात की नमाज़ पढ़ी, ज़कात दी, कुतिबा अलैकुम सियामा, रोज़े फ़र्ज़ किए गए, मैंने रोज़े अपना लिए। बाकी आयतें छोड़ने की मुझे सनद किसने दी? और मान लीजिए पूरे कुरान में अगर 650 अहकामात हैं, गोया आपके क्वेश्चन पेपर में 650 सवाल हैं और आप पांच सवाल रट के तैयार करके जा रहे हैं तो कौन इम्तिहान में पास कर देगा? और आपको सनद दे दी जाती है कि जन्नत पक्की, बल्कि तुम मुत्तकी। अकल इस्तेमाल कीजिए। कुरान इज़ टू बी प्रैक्टिस्ड इन टोटैलिटी, और उसको आप अगर समझ के अमल करेंगे तो सबसे बड़े साइंटिस्ट भी आप होंगे, सबसे बड़े ह्यूमेन हम्बल सर्विंग ह्यूमन बींग आप होंगे। कुरान का फ़लसफा खिदमत का है, सर्व पीपल, मेक लाइफ ईजी। जो मैं बार बार कहता हूँ, अपने साथियों से कहता हूँ कि जिस जगह पे बैठे हैं लोग की ज़िंदगी आसान कीजिए, मेक लाइफ ईजी फॉर देम, मुश्किलें पैदा मत कीजिए, चाहे वो घर हो, चाहे वर्क प्लेस हो, कहीं पे भी हो, सर्व पीपल, खिदमत। हमारी तारीख इन चीज़ों से भरी पड़ी है। ये मैं बात इसलिए कहता हूँ कि हम आजकल पूरा ज़ोर लगाते हैं हलक तक फाड़ के अपनी इस्लामी आइडेंटिटी एसर्ट करने का, एस्टेब्लिश नहीं, एसर्ट करने का। ये झूठी आइडेंटिटी है। सच्ची आइडेंटिटी ये है कि अगर हम मुसलमान हैं और इस्लाम के पैरोकार हैं तो इस इस्लाम पे अमल कीजिए। ये है इस्लाम इन टोटैलिटी, जो आपको ये कहता है कि यू शुड बी द फ्रंट रनर्स इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ नॉलेज, फ्रंट रनर्स इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। आज कितने ह्यूमन चैरिटी मिशन चल रहे हैं, पाकिस्तान में ज़रूर चंद है, हमारे यहाँ भी कुछ हैं, नए नए खड़े हो रहे हैं, लेकिन अक्सरियत मुसलमानों की नहीं है। कोई अस्पताल, फलाही इदारे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में अगर रहम का जज्बा था और उसको अपना कि ईसाइत पूरी अगर अस्पताल बनाती है तो क्या हज़रत ईसा हमारे पैगंबर नहीं थे? क्या उनकी ये चीज़ सिर्फ ईसाइयों के लिए, हमारे लिए नहीं है? यहाँ पर भी हम चूज़ी हैं। तो देखिए, नींद से बेदार होना है, कुरान समझ के पढ़ना है और उस पर अमल करना है,
تاکہ ایک اچھے مسلمان بنے، اچھے انسان بنے، انسانیت کی خدمت کریں۔ اور یہ جو دھبے ہمارے اوپر لگ گئے نا، جو ان کو بدبختوں نے لگا دیے ہیں، جو طالبان سے شروع ہو کے کہانی کہاں تک آئی تھی، ہمیں انہیں دھونا ہے۔ اس کے دھونے کی پہلی چیز آپ کا اخلاق اور کردار ہو۔ بی نائس وتھ پیپل، ہر آدمی کے ہر نظریے کو ریسپیکٹ دیجیے، اس کے ویو پوائنٹ کو سنیے۔ ہمارا جو مزاج ہے نا کہ جو آواز ٹھیک نہیں ہے اس کو مفل کر دو، رسول اللہ کے زمانے میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ لوگ اگر رسول اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کریں، برائی کرتے ہوں، تو تم اس جگہ سے ہٹ جاؤ، بس اتنی سی بات ہے۔ اور اگر تمہیں شیطان غلامی میں ڈال دے تو کوئی بات نہیں، اور جب وہ یہ بات ختم کر لیں پھر ان میں چلے جاؤ۔ یعنی جو لوگ کھلم کھلا اللہ رسول کی برائی کر رہے ہیں، ان سے آپ کو ڈسوسیٹ ہونے کے لیے منع نہیں کیا جا رہا۔ ہمارے پڑوس میں شادی میں رسول ہونے کی سزائیں دی جاتی ہیں، گلا کاٹ دیا جاتا ہے، لٹکا دیا جاتا ہے پھانسی پہ۔ کس نے کہا؟ رسول اللہ کے زمانے میں جو عورت کوڑا پھینکتی تھی اس کو اس وقت کیوں نہیں قتل کر دیا گیا؟ آج اس حدیث کو ہم بڑے احترام سے سناتے ہیں سب کو، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے اور امپلیکیشنز کیا ہیں۔ یہ بھی کم عقلی ہے ہماری، ورنہ ہم سنانا بند کر دیں بلکہ اس کو ضعیف کہہ کے کنارے لگائیں۔ جیسے علم کی بہت سی حدیث ہے، ہم نے چین والی حدیث کنارے لگا دی کہ ضعیف ہے، ہوگی ضعیف، نو کوشچن۔ جب قرآن میں اتنا سب کچھ ہے اور رسول اللہ نے عملاً کر کے دکھا دیا تو دیٹس انف۔ تو اور آخر میں دیکھیے، عورت کو، یہ میں نے دلی یونیورسٹی کے لیکچر میں بولا تھا جہاں وینیشنگ ڈاٹرس پہ تھا کہ بچی جو ختم کی جا رہی ہے ماں کے پیٹ میں، اس وقت بھی ریت میں ڈابی جا رہی تھی۔ عورت کے لیے قرآن لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی میری اہلیہ کے لیے، زوج، جوڑا۔ زوج کے معنی ہیں جوڑا، پیئر، جو ایگزیکٹلی سملر ہوتا ہے۔ گاڑی کے دو اگلے پہیے زوج ہیں، ایک بھی اونچا نیچا پتلا ہوا، ہوا بھی کم ہوئی تو گاڑی یوں ہوتی ہے۔ تو قرآن تو ڈیفائن کر چکا عورت کو۔ اب ہماری کلرجی نے یا ہمارے ان ذہنوں نے جو مردانیت، جبکہ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کوئی الٹے معنی کا لفظ نہیں ہے، دوسری اصطلاح میں اس کے استعمال کرتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ عورت کو سائنس یا کسی بھی میدان میں پرسوٹ کے لیے اگر مرد سماج نے روکا ہے تو اس کو 10-20-30-40% آپ دے سکتے ہیں، 100% نہیں دے سکتے۔ کمی کہیں ہمارے یہاں بھی رہی ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ عورت کی، جو عام عورت کی سماجی ذمہ داریاں ہیں، مثال کے طور پہ جب وہ فیملی لائف میں جاتی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، تو اس وقت وہ ایکٹیو پرسوٹ میں نہیں جا سکتی۔ اور ایسے میں سمجھدار عورتیں گھر میں چھٹی لے کے بیٹھتی ہیں، بچوں کی اچھی تربیت کر کے پھر پروفیشنل لائف میں لوٹ کے آتی ہیں۔ لیکن میں یہاں بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا، اور اس پہ بھی غور کیجیے گا، کہ یہ پہلو جو ہے فیملی لائف کا، ہماری بہنیں یہاں بھی ناکام ہو رہی ہیں۔ کیونکہ وہ مائیں کہاں ہیں جنہوں نے ابن الحیثم پیدا کیے تھے، میں اس سوال کو اب اس طرح رکھتا ہوں، جنہوں نے راضی پیدا کیے تھے۔ اور یہ سچ بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت ماں کی گود سے پہلے اس کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ اس وقت وہ کیا سوچتی ہے، کیا کر رہی ہے، اینڈ اٹ از اے سائنٹیفک فیکٹ، ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہے۔ ہماری اوسط گھر کی عورت جس وقت گھر میں شادی ہونے کے بعد ساس بہوؤں کے، دیورانی جٹھانی کے، نند بھاوج کے جھگڑوں میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے، بیٹے کو اماں گالی دے رہی ہوتی ہے کہ اب پھل لا لا کے بیوی کو کھلاتا ہے، پہلے تو لا کے سب کے لیے رکھتا تھا، اس ٹینشنس میں وہ عورت اپنی اگلی نسل کے نمائندے کو پیٹ میں پال رہی ہے، ایک نیگیٹو مائنڈ کے ساتھ، منفی مائنڈ کے ساتھ۔ کوئی اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ میتھمیٹیکل، مینٹل میتھمیٹکس کر لو، کچھ اچھی کتابیں پڑھ لو، کچھ قرآن ترجمے سے پڑھ لو، اچھی سوچ بنا لو، جبکہ یہ چیز اتنی اہم ہے کہ سمجھدار لیڈی ڈاکٹرز اپنے پیشنٹس کو مشورہ دیتی ہیں کہ گھر میں اچھی شکل کے بچوں کی تصویریں لگا کے رکھو، اچھی شکل کا بچہ پیدا ہوگا۔ یہ سائنٹیفک فیکٹس ہیں، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور اس کا ثبوت دوں۔ دوسرا، کیا بات ہے، کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں کچھ ماں کسی شکل کے زیادہ، کچھ ابا کسی شکل کے زیادہ، کچھ مکسڈ اپ۔
एक पते की बात आपको बता दूं, गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा, उस वक्त उस औरत का जहन और मोहब्बत जिस तरफ होती है वो शक्ल बच्चे में आती है। अगर वो अपने शौहर से मुतमईन है और शौहर का चेहरा नज़रों में है तो बच्चा बाप की शक्ल पे ज़्यादा होगा, इट इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट। अगर अपने आप में खुद पसंदी है, सेल्फीज बहुत लेती है आपके ज़माने में, सेल्फीज है ऑब्सेशन, इसके नफ्सियाती पहलू पे जाइए, वो समाज जो 20 लोग एक थाल में बैठ के खाना खाते थे वो छोटा हुआ न्यूक्लियर फैमिली की शक्ल में, न्यूक्लियर फैमिली से फिर अपने अपने कमरों में अपने अपने टेलीविजन सीरियल्स, अपने अपने प्रोग्राम्स, अपने अपनी एंगेजमेंट्स विद लैपटॉप एंड मोबाइल फोन, घर में डिस्कशन हो रहा है त्योहारों का, शादी ब्याह का, कपड़े का, कोई इल्मी डिस्कशन नहीं है, किताबें नहीं हैं। मैं वो अब घर देखने को तरस गया जिसमें किताबों की अलमारियां ड्राइंग रूम में दिखा करती थी, अखबार आते नहीं, टेलीविजन देखते फिरते, किन बच्चों को इब्ने हसन पैदा होंगे, जावे जाफरी पैदा होंगे बचपन से नाचने वाले, सब बच्चों को नचा रहे हैं। तो ये मेरी कल की माएँ यहाँ बैठी हैं, मैं इसलिए बात को कह रहा हूँ कि इस बात को सोचिएगा, कौमें बनाई जाती हैं तो वो भी माँ का बड़ा रोल है, उसको भी हमें अहम समझना चाहिए। और यकीनन अब ज़माना खुला हुआ है, कहीं ना कहीं हमारी भी मेहनतों की कमी है, हम क्यों थक जाते हैं बहुत जल्दी। आप किसी भी औसत लैब में चले जाइए, आपको कितनी अपने लेडी कलीग्स मिलेंगी जो देर रात लैबों में काम कर रही हैं। हमें इस रुख को भी हर जगह देखिए, हम पतली गली से नहीं निकल जाएंगे कह के कि हमें दबाया जाता है, जिस तरह हम कहते हैं भाई मुसलमानों के साथ तासुब होता है नौकरी नहीं मिलती, हर जगह तासुब नहीं होता, यू हैव टू प्रूव योर वर्थ। आप अगर कुछ हैं आज नहीं कल रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, आपकी मेहनत मानी जाएगी। तो ये हमारी, और बल्कि उसमें मैं बिल्कुल आखिर में मैंने एक कोट निकाला था, क्योंकि ये मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है, अब्दुल कलाम आज़ाद का एक, क्योंकि वो बड़ा अच्छा है, वो ये लिखते हैं कि मौलाना आज़ाद ने बुखारा पर रूस के हमले की रुदाद यूं बयान की है, एंड आई कोट, 19वीं सदी के अवाइल में जब रूसियों ने बुखारा का मुहासरा किया तो अमीर बुखारा ने हुक्म दिया कि तमाम मदरसों और मस्जिदों में ख़त्म ख्वाजगान पढ़ा जाए। उधर रूसियों की किला शिकन तोपें शहर का हिसार मुनज़्ज़म कर रही थीं और इधर लोग ख़त्म ख्वाजगान के हलकों में बैठे या मुक़ल्लिलुल क़ुलूब या हुवलुल अहवाल के नारे बुलंद कर रहे थे। आखिर वही हुआ जो कि एक ऐसे मुकाबले का नतीजा निकलता था जिसमें एक तरफ गोला बारूद हो दूसरी तरफ ख़त्म ख्वाजगान। दुआएं ज़रूर फ़ायदा पहुंचाती हैं मगर उन्हीं को जो अज़्म व हिम्मत रखते हैं, बेहिम्मतों के लिए वो तर्क अमल और तातुल क़ुवा का हैला बन जाती हैं। ये उस शख्सियत के अल्फाज हैं जिसके नाम पे यूनिवर्सिटी है। तो अगर कुछ नहीं हम इस यूनिवर्सिटी का भी हक अदा करें तो दुआ से ज़्यादा अमल पे यकीन करें। वर्क 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 टिल यू डाई। आप यकीन जाने मेरी और मेरी अहलिया की भी दुआ ये रहती है कि अल्लाह काम कराते हुए ख़त्म करियो, बिस्तर पे नहीं मरना चाहते। क्यों? क्योंकि मेरा रब जब हर वक्त काम में मसरूफ़ है तो मैं ग़ुलाम हूँ, मेरी ये सकत नहीं है। जो तकाजे इस जिस्म के हैं कि 6 घंटे नींद ले लिए उतना ले लीजिए, बाकी काम कीजिए, और प्लीज़ काम अपने लिए मत कीजिए, दूसरों के लिए कीजिए। वर्क फॉर अदर्स। थैंक यू वेरी मच।